माननीय अध्यक्ष महोदय, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत को एक वैश्विक ज्ञान समाज के विकास के लिए मूलभूत आधार प्रदान करती है। स्कूल शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में सीखने की दक्षता में सुधार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख तत्वों में से एक है। निपुण हरियाणा मिशन का उद्देश्य नवीन शिक्षण अध्ययन सामग्री का उपयोग करके सभी छात्रों को ग्रेड 3 तक सक्षम बनाना है। अब तक मिशन को ग्रेड 3 स्तर पर लागू किया गया। मैं शिक्षण 2024-25 में इसमें ग्रेड 4 और 5 को शामिल करके इसका विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूं। गुरुग्राम में फ्लाइट सिमुलेटर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो रहा है, जिससे हरियाणा उड्डयन शिक्षण के केंद्र के रूप में उभरेगा। मैं उड्डयन के सभी तत्वों के साथ उच्च शिक्षा के लिए हिसार में एक उड्डयन महाविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। यह कॉलेज गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय से संबद्ध होगा और महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे के पास स्थित होगा। मैं सभी सरकारी आदर्श संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से ई लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। पहले चरण में प्रत्येक खंड में ऐसे हर स्कूल को एक बार 25 लाख रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। ई पुस्तकालय छात्रों को ज्ञान के भंडार तक पहुंच प्राप्त करने और सीखने के परिणामों में सुधार करने में सक्षम बनाएंगे। सरकार ने 16 जनवरी 2024 को मुफ्त छात्र परीक्षण सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन शुरू किया है। यह योजना कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों के लिए उपलब्ध है, जहां उनके घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर से अधिक है। यह योजना प्रारंभ में प्रत्येक जिले के एक खंड में लागू की जा रही है और इसका विस्तार अन्य खंडों में भी किया जाएगा। कॉलेज के विद्यार्थियों को रोजगार सक्षम बनाने के लिए राज्य के विद्यालयों में 50 से अधिक रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम आरंभ किए गए हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों ने छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए विभिन्न उद्योगों के साथ 300 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का प्रस्ताव है कि महाविद्यालयों, बहुतकनीकियों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित सभी संस्थानों में सौर ऊर्जा आपूर्ति की जाएगी। मैं वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 21,187 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के 18,344 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 15.49% की वृद्धि है।